ठीक होते हैं। हाँ या बोल या। हमारे मेंबर हैं तो विकास भैया जी और कमल जी सैनी मेरी एक शिकायत है आपसे, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, आप भी सब मेरे बच्चे हैं, हमारे कमिश्नर के बच्चे हैं, ये स्टे क्यों हुआ कोई बता सकता है खड़ा हुआ? सर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं उस वजह से हुआ था। नहीं, स्टे इसलिए हुआ ये कि हमने 4 फार्मूले कोर्ट को दिए कि सर हमारे पास रिजल्ट करके तैयार, 4 रिजल्ट तैयार थे, शिफ्ट वाइज भी, परसेंटल इक्वी परसेंटाइल, दूसरे जितने भी मेथड हैं उनसे हमने कोर्ट में कहा कि ये 4 मेथड सर हमने तैयार किया है, इन इनका ये रिजल्ट है और एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट ये पड़ते हैं एक दूसरे के रिजल्ट पर, आप हमारे को ये बता दो कि हम कौन से फार्मूले से रिजल्ट निकाले। उसमें लगभग 2-3 महीने लग गए कि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कौन से फार्मूले से निकाले। आपने इतना संयम नहीं किया, मेरी शिकायत है आपसे ये कि थोड़े दिन उस फार्मूले का या जजमेंट की इंतजार कर लेते, कोर्ट ही बता देती हमारे को ये फार्मूला है जिससे निकालो, तो ये आज स्टे नहीं होता। इसका मतलब स्टे किसने करवाया? आपने करवाया, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुन लो मेरी बात, इसका मतलब स्टे आपने करवाया। ये अगर वो खुद ही फार्मूला बता देते तो आज स्टे नहीं हुआ था। आपने सीएम साहब जहाँ जाएं, मंत्री जी जहाँ जाएं, इस ऑफिस के सामने नारे, सीएम साहब ने कहा क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकालो यार जैसे मर्जी निकालो, 6 में आके कहा मेरे को निकाल जैसे मर्जी रिजल्ट। हमने जो सा फार्मूला ठीक लगा था 21% निकाल दिया, वो जाके कोर्ट में चैलेंज हो गया, कोर्ट ने स्टे कर दी, तो थोड़ा संयम तो कर सकते थे 1 महीना। अब भी प्रार्थना है, सुन तेरा, अब भी प्रार्थना है थोड़ा सा संयम करो। तो ये यूमर्स आ रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कोई भर्ती रद्द नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, जो प्रदर्शन है ना इस तरह के, इनसे कोर्ट जो है ना वो खींचती है। एक तरफ तो प्रोसेस चल रहा है, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम भर्ती करने के लिए बैठे हैं यहाँ, रोड अटकाने के लिए थोड़े बैठे हैं। जब 6600 भर्ती होंगे मेरे मेरे आयोग की बल्ले बल्ले, तो तब होगी। इतने गरीब बच्चे लगे जो 2 वक्त की रोटी खाने नहीं है, जब वो मिल पे आके थैंक यू करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं अर्जेंट आ रहा हूँ क्या आपकी भर्ती में, आप नारे लगा रहे हो, थोड़ा सा सब्र करिए प्लीज़। और मैंने इन साहब के सामने जो 4 आदमी भेजे थे, एजी साहब को रिक्वेस्ट करी है अर्ली हियरिंग, आप भी अपने वकील से रिक्वेस्ट करो। और कोई ऐसी बात कोई भी, जितने आप ये जानते हो कि HSSC ये बात कैसे जाके कोर्ट में स्टे हट जाएगी वो बता दो मुझे। ये पॉलिटिकल भाषा है, मेरे आगे कोई इलेक्शन मैंने नहीं रखता, ये पॉलिटिकल भाषा, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है स्टेट में, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा 2 साल से पहले, नो ये पॉलिटिकल भाषा मत बोलिए प्लीज, नो मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने चैलेंज किया उनसे पूछो कमी है क्या, वो नहीं बता, हाँ उनसे पूछो ना मेरे से। सीटी में भी यही फॉर्मूला लग रहा है सर, सीटी में भी यही फॉर्मूला लग रहा है सर, यही लगेगा सर। फिर आप क्या, एक मिनट, कोई तरीका ही नहीं है बेटा, एक मिनट भाई, जब एक से ज्यादा सेट होगा और एक से ज्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। सारी चीजें ठीक है, सब कुछ मान लिया, हमारे से गलती भी हो गई,
बट अब डेट पे डेट मिली जा रही है बट उस पे हियरिंग नहीं हो रही, उस पे हमारी क्या गलती है सर? ये बात जज से पूछो, मेरे से पूछो। यही थोड़ा प्रदर्शन जाके जज के घर का डीजी नहीं पहुंच रहे सर, जो असिस्टेंट है सर वो नहीं पहुंच रहे, हमारी उसमें क्या गलती सर? हम थोड़ी ना जज सुन नहीं रहा, मेरी क्या गलती सर? डीजी तो आपके पूरे लिख के भी जा नहीं रहे सर, नहीं जा ऐसा नहीं, पिछली तीन डेट से सिर्फ डेट मिली है। तरीका है काम करने का, वो तारीख पे ही जाता हूँ, वो चैम्बर में मिलता है, वो जाके जज के घर जाता है। तरीका है अपना काम करने का, कोर्ट में तारीख पे सुन जाएगा आपके। एसएससी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, काफी मोटे पेजेस में है, और उन्होंने ये बता दिया है कि इसमें जो है ना डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फार्मूला लगाना जरूरी है। कोर्ट ने बुलाया नहीं, अपने पब्लिक हाँ जब जजमेंट लिखी तो उसको समझ ही नहीं किया, तो जब समझ नहीं किया वो आए क्यों? सर अभी पहले भी दो वोट किया हुए इस पर, किसे पहले 5500 कैंडिडेट लिए गए हैं सर, अभी की बार ऐसा क्या हो गया कि फॉर्मूला लगाने की छूट? आप ही लोग कैंडिडेट गए कोर्ट में, कि चार शिफ्ट थे उनमें से एक शिफ्ट में ज़्यादा लग गए और अगली दो में कम लगे, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और कोर्ट ने आदेश किया कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो आप ही गए कोर्ट में। तो सर कोर्ट ने आदेश दिया नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो फिर मान कोर्ट को बताइए जाके वो कोई इशू नहीं है सर, हियरिंग हो जाए ना, हम बिल्कुल सरकार को कोर्ट के साथ इनके सामने कुछ उससे ऐसे बोले कि कंडीशनल जो नहीं हो सकती है सर, कंडीशनल भाई सीटों में आइए, कंडीशनल तो क्या बनता है? तुम लगी चार साल से बोल रहे कई बार काम करने के सर मेडिकल की चलो अर्ली हियरिंग की लगाई है मेडिकल को अपने बात को भी थोड़ा सर आप कह रहे हैं कि सहयोग रखो, तो क्या हम ये समझे कि 2024 में हमारी ज्वाइनिंग होगी? ये पॉलिटिकल है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे एक लास्ट चीज सर, चेयरमैन साहब ने बातचीत करी, बालक राजी हुए, ताली बजाई, ठीक भाई। वीडियो वाडियो मनना गया नहीं, बिना माइक का किसी में साउंड आवेगी क्या नहीं भाई? शांत रहो एक मिनट, शांत हो लिए इस सब एक साइड में टेंट लग रहा है, धरना खातर उड़ जाना जाए इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे भाई, अरे राम तनुआ रोड पे हेलमेट होगा भाई, आके आगे जाएंगे ना इनके पीछे पीछे चले जाना। बातचीत होगी तुमने सुनी भाई, ठीक एक बार यही खड़े रहो। ये बालक थे भाई, ये बालक आए आज, इनका के मने क्या और भी सुना दिया भाई, के लग गया के रहा के लग गया बातचीत आता है जो नहीं करते भाई कौन है ये अरे लीगल बात है जी, लीगल वे से करेंगे किसा लग गया तुमने किसे लग गई बातचीत है भाई? ये तो भाईचारे वाली बात करा ना चेयरमैन, कोई लीगल बंदे वाली बात थोड़ी ना करे। अच्छा लीगल बात करी भाई, चलो कितके हो पंचकुला के? नारायणगढ़ भाई, नारायणगढ़ की गोली दे दी भाई इन्होंने, चलो देखो भाई हैं बढ़िया। तो इनने बात सुनी भाइया ने, अरे के लग गया, के लग गया बातचीत में भाई? लगना तो के है, बाकी देखो भाई तो मीठी बड़ी पता है कि मिल गई है सोका जोड़ है। चेयरमैन यो बतागा मारता है, जो तुम यहां हमारे एचएसएससी ऑफिस आ गए हो आना थारा बेकार है, उसका उनका कहने का मतलब यो था यहां बिल्कुल जीरो है, यहां कोई फायदा नहीं तुम्हारा आने का, हमने जो फॉर्मूला लगा रखा वो सही है,
चेयरमैन जी ने यही बात बोली है, जो बात पहले वीडियो में बोले थे वो सेम बात आ गई है। अच्छा, संतुष्टि नहीं बनी? संतुष्टि के बने थी, हम तो धरना देवांगे, धरना देंगे, जब तक मैरिज में नहीं हम धरना उठा को नहीं, यही रहेंगे। कहने का मतलब हमने रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन अब कोर्ट से निकलवाना हमारा बस की नहीं है। जब इन्हें कोर्ट में वो लगा दिया है तो कोर्ट से निकलवाना ही नहीं का काम है, जो रिजल्ट दे दिया उस पर फुल प्रूफ नहीं है। चलो गलती है मजा नहीं आया आंसर में, बदल जाए यार, पहनते हैं सरकार की कोई बात दम कौन लग गया कह रहा हाँ। चलो भाई ये इन बात करें।